डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश। अभी जो कृषि सुधार विधेयक 2020 माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दोनों सदनों में पारित करके आज़ादी के बाद पहली बार ऐतिहासिक फैसला कृषि और किसानों के विकास के लिए लिया, उसके लिए हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गांव-गांव में जाकर हिमाचल प्रदेश के 3 लाख किसानों और बागवानों के हस्ताक्षर करवा के माननीय प्रधानमंत्री जी का राज्यपाल के माध्यम से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया। कोई भी देश का प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद इस तरह का फैसला नहीं ले सका कि कृषि और किसान जो न्यूनतम विकास दर जिसकी थी आज़ादी के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में घोषणा की थी कि हम 2022 तक इस देश के किसान और बागवान की आय दुगनी करेंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि ऐसे आज तक कोई भी फैसला कृषि के ऐतिहासिक विकास के लिए नहीं लिया गया, इसलिए ये विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व, कुछ राजनीतिक संगठन, कुछ वामपंथी दल जो अपने निजी स्वार्थों के लिए किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर उन स्वार्थों का हल करना चाहते थे, ऐसे सारे चेहरे बेनकाब हुए हैं। 26 जनवरी को सारे देश ने देखा कि जहां सारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहां कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व इस देश की एकता और अखंडता को विघटित करने का प्रयास कर रहे थे और तलवार तंत्र के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों का उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम इस देश के किसान को और जहां कृषि का मूलभूत ढांचा है उसके विस्तार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। आज जो बात करते हैं वामपंथी लोग, वो बताएं कि वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा दुर्दशा कृषि की है, 35 वर्षों तक उन लोगों की सत्ता रही। आज जो भाषण जब मीडिया के अंदर वो दे रहे, वो योजनाएं उन्होंने अपने प्रदेश में क्यों नहीं लागू की? कांग्रेस की केंद्र में लंबा समय सत्ता रही, कांग्रेस आज बताए कि आज किसानों की दुर्दशा, इस देश का किसान जब आत्महत्या कर रहा था तो माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया इस देश के 10 करोड़ गरीब किसानों के खाते में डाला। कहाँ गए थे ये सत्ता के लोग? इसीलिए अब ये लोग घबरा गए हैं। पहले 2014 में केंद्र की सरकार पूर्ण बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी, हमने 282 सीट लोकसभा की जीती थी। उसके बाद कृषि योजनाएं अच्छी बनी और हमने 300 का लक्ष्य पार किया लोकसभा में। अब ये लोग डर रहे हैं राष्ट्र विरोधी तत्व और कुछ राजनीतिक संगठन की 2024 में जब ये विधेयक पारित हो जाएगा तो इस देश का सारा किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा और उनके जो प्रत्याशी होंगे उनकी जमानतें तक जब्त हो जाएंगी। उस डर से ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में किसान मोर्चा प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर गांव-गांव में जाएंगे और उन सारी योजनाओं से इस देश प्रदेश के किसानों और बागवानों को अवगत कराएंगे। धन्यवाद।